हेलो एवरीवन, सोना मशरूम फार्म में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जो लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल एसी से, होम एसी से, या कहना चाहिए स्प्लिट एसी से बटर मशरूम का कल्टीवेशन किया जा सकता है या नहीं। बहुत रिसर्च के बाद कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन 80% लोग बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को हम अपना छोटा सा फार्म आपको दिखाएंगे, जिसमें थोड़ा सा हमने अचीवमेंट पाई है। जस्ट हमारे बैग्स में पिनहेड्स भी आए हैं और कुछ बैग्स में थोड़े से मशरूम हार्वेस्ट के लायक भी हुई है। तो छोटा सा विजिट ये है। कुछ बैग्स में हमें प्रॉब्लम भी आई है, प्रॉब्लम ऐसा कि टेम्परेचर मेंटेन ना होने के वजह से, जब हमने एसी नहीं डाला था तो कुछ प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मशरूम की क्वालिटी, क्वांटिटी पर बैग ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पे बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए जो ड्रेन वाटर होता है उसको रूम के अंदर ही रखना है। और ये देखिए कुछ बैग्स ठीक आ गए हैं। अभी आउटसाइड टेम्परेचर नियर अबाउट 40-42 डिग्री के करीब करीब है, और इनसाइड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा 720 बैग्स की कैपेसिटी का रूम है। नियर अबाउट इस रूम का साइज़ है, इसकी हाइट होगी 10 फीट और इसकी ब्रेथ होगी नियर अबाउट 10 फीट, और इसकी जो लेंथ है वो नियर अबाउट है आपका 20 फीट। और ये हमारा टेम्परेचर देखिए, प्रेजेंट का टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ह्यूमिडिटी अभी 61 हो गई है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 72 रही और मिनिमम 61, और मिनिमम टेम्परेचर 12.8 और मैक्सिमम टेम्परेचर 15.6। ये 24 आवर्स का डेटा है ना। आप देख सकते हैं कि 72% ह्यूमिडिटी पर भी मशरूम की क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरी नहीं है, आई थिंक इट्स बेटर। और इस फार्म में लगभग सारे बैग्स में पिनहेड्स दिखने लगे हैं, और जो बहुत ज़्यादा अच्छे बैग्स थे इसमें काफ़ी अच्छी बड़ी भी हो गई है। और एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा कूलर भी डाला है। इस कूलर में वाटर सर्कुलेट हो रहा है और जो फ़ैन है वो उल्टी तरफ चल रहा है, मतलब जो फ़ैन एयर आगे फेंकता है लेकिन ये पीछे फेंकता है, जिससे कि ठंडी हवा पानी में टकरा के रूम के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करती है। ये छोटा सा सेटअप है, लगभग 700-750 अभी इन बैग्स की गिनती तो नहीं करी, बट ये 750 बैग करीब करीब हैं। और एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक है कि रिज़ल्ट हमें ठीक मिलेगा। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड सभी को हैप्पी होली।